शक्ति साधना का पुंज स्वरूप सदगुरु सनातन धर्म विभूषण परम पूज्य गुरुदेव राज राजेश्वर जी आर्थिक भौतिक और आध्यात्मिक जगत का समन्वय करते हैं। आपने अपने जीवन में रसमयी मंत्रों की साधना, विविध ऋचाओं और मंत्रों की दिव्य अनुभूति की है। आपने अपने सदगुरु परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के ज्ञान की दिव्य साधना को ग्रहण किया। आपने उजस्वी संतों सिद्ध पुरुषों से रहस्यमय ज्ञान को आत्मसात करने के पश्चात ब्रिटेन में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की स्थापना की, जिसके माध्यम से साधकों को नित्य निरंतर शिव और जीव का महत्व बता रहे हैं और रहस्यमय साधना को नए आयाम प्रदान कर रहे हैं। दीक्षा एवं साधना की अनुभूति समय के साथ गतिशील है। पूज्य गुरुदेव राज राजेश्वर जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गौ सेवा व गौ रक्षा के संकल्प के साथ साथ विविध जीवों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। आइए आध्यात्म की ज्योत से ज्योत जलाते हैं और परम पूज्य गुरु जी की समाज सेवा के साथ रसमय ज्ञान ध्यान और साधना एवं दीक्षा के साथ आध्यात्म की यात्रा का आनंद लेते हैं। हम आपसे किस रूप में सहयोगी बने, संपर्क करें। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। आज के स्पिरिचुअल झरने के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। सभी भक्तों को गणेश के जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाई। भगवान गणपति की आराधना, उपासना, पूजन, आरती घर घर में हो रहा है। मंदिरों में भगवान गणपति का उत्सव, अरे गांव गांव में मंदिर का उत्सव होता है, मंदिरों में गणपति का उत्सव होता है। भगवान गणपति की महिमा अपरंपार है। आपने वेद पढ़े होंगे, पुराण पढ़े होंगे, शास्त्र पढ़े होंगे, कथाएं सुनी होगी। हर वेद में भगवान गणपति का प्रारंभ से ही पूजन बताया गया है। आप सोचते होंगे आपको पता ही है ये कथा क्या है। आप सबको पता है कि भगवान गणपति ने अपने मां बाप भगवान शिव और पार्वती का पूर्ण रूप से एक महत्व बताया कि मां बाप की महत्वता क्या है। एक मां बाप की परिक्रमा करने से पूरा ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाती है। तो भगवान गणपति की आराधना ये भी सिखाती है कि मां बाप का रिस्पेक्ट करो। भगवान गणपति की आराधना ये भी सिखाती है कि मां बाप के चरणों में पूरा ब्रह्मांड है। भगवान गणपति की आराधना ये भी सिखाती है कि जीवन में कोई भी कष्ट आ जाए डरो मत। अगर आप भगवान गणपति, आप सनातनी हो, आप हिंदू हो, आप भगवान गणपति में श्रद्धा समर्पण विश्वास रखते हो तो भगवान गणपति विघ्न हरता है। कई बार हम कहते हैं कि भगवान गणपति के ज्योति में नूर है और जो भगवान गणपति की आराधना करता है उनके दिलों में भरपूर श्रद्धा और समर्पण हो जाती है और जो भी भगवान गणपति के द्वार पे जाता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता है। देखो गणेश जी की महिमा बार बार संतों ने,
ऋषियों ने मुनियों ने समझाई है, मगर आज मैं आप उस भगवान गणपति का एक निराकार स्वरूप की महिमा बताने जा रहा हूं। निराकार स्वरूप उसी भगवान गणपति का, जैसे आप देखो भगवान शिव की आराधना करते हैं, एक आकार स्वरूप मूर्तिमय प्रतिमामय और एक निराकार स्वरूप शिवलिंगमय। एक आकार स्वरूप भगवान विष्णु प्रतिमामय मूर्तिमय और शालिग्राम निराकारमय। वैसे ही भगवान गणपति मंदिर में जाते हैं, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, आपने सुना होगा, माथे पे सिंदूर सोहे मूष की सवारी। तो एक है आकार स्वरूप, एक है निराकार स्वरूप। तो भगवान गणपति का निराकार स्वरूप क्या है? तो वहां उस चीज को याद करते हैं कि हर पूजा पाठ में जैसे गणेश की स्थापना होती है, हर पूजा पाठ में कलश की स्थापना होती है, वैसे ही एक स्वस्तिक का पूजन किया जाता है, स्वस्तिक की आराधना की जाती है, स्वस्तिक का अपने आप में निर्माण किया जाता है। आपने देखा होगा कई आध्यात्मिक घरों में हम जाते हैं, आपने देखा होगा कई आध्यात्मिक पुरुष के घर में जाते हैं, एक स्वस्तिक मिलेगा वहां दरवाजे पे ही, स्वस्तिक मिलेगा। और आज मैं इस स्वस्तिक का ऐसा एक प्रयोग बताने जा रहा हूं जिस प्रयोग के माध्यम से बड़ी समस्या को आप हटा सकते हो, बड़े से बड़ी समस्या को आप सामना कर सकते हो। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, इस स्वस्तिक के शक्ति के माध्यम से आपके अंदर से एक हौसला आ जाएगा कि नहीं, अभी ब्रह्मांड की वो शक्ति का प्रतीक जैसे ओम है, वैसे ही भगवान गणपति का जो प्रतीक स्वस्ति का है, वो स्वस्ति की शक्ति मेरे पास है। शायद आपने अनुभव तो किया होगा, मगर आपको पता नहीं होगा कि स्वस्ति का सदुपयोग कैसे करें। हमारी गुरु परंपरा में हमारे गुरुजी ने कई साधनाएं सिखाई। कई लोग कहते हैं कि भाई साधना कब की होगी, आइए हमारे सिद्धाश्रम की उस परंपरा के कई गुरु भाइयों को मैं मिलाऊंगा, समय मिलेगा तो पता चलेगा कि साधना कैसे कैसे की होगी हमने, कितनी गुरु की डांट खाई होगी, गुरु के वहां सामने बैठ करके कितनी तपस्या, कितने घंटे तक बैठने के बाद एक छोटी सी साधना मिलती थी। और वो साधना का प्रयोग मैं आज इस स्पिरिचुअल जर्नी के माध्यम से, आध्यात्मिक जर्नी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं बिना मूल्य। हमने तो ट्रेन में धक्के खा खा करके, गुरु के चरणों में बैठ करके, पत्थरों पे बैठ करके दिन और रात नहीं देखा, धूप और छांव नहीं देखा और साधनाएं सीखी। और यही साधना का एक प्रताप का पुंज आपके सामने बैठ करके बोल रहा है। तो कोई मेरी कोई इतनी हस्ती नहीं है, मेरी कोई मेरे पास कोई इतनी ताकत नहीं कि मैं खुद इस साधना को बोल सकूं। इस गुरु परंपरा को साक्षी में रखता हुआ, स्वामी निखिलेश्वरानंद गुरु जी को मैं साक्षी में रखता हुआ, मैं साधना का एक अद्वितीय प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं। जब ये साधना का प्रयोग आप करोगे, वहां कोई भी माला की जरूरत नहीं है, कोई भी आसन की जरूरत नहीं है, कोई भी दीप की जरूरत नहीं है और कोई भी ऐसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। ये साधना प्रयोग कहीं भी कर सकते हो, घर में, घर के बाहर, रास्ते में, जंगल में, ऑफिस में, कहीं भी कर सकते हो। और ऐसा प्रयोग है एक गुरु परंपरा के माध्यम से, इस सन्यासी परंपरा के माध्यम से जो मिला है, और प्रैक्टिकल कई बार मैंने इसको अपनाया है अपने जीवन में।
कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए तो कई साधना प्रयोग ऐसे हैं कि उसको अपनाने से उस भगवान की शक्ति का सहारा मिल जाता है। क्योंकि जगत का सहारा लोगे ना तो आपको गाली ही मिलेगी, जगत का सहारा लोगे तो आपको निंदा ही मिलेगी, जगत का सहारा लोगे तो आपको अपने आप में कितना भी करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मगर उस वक्त जगदीश का सहारा लोगे, जीवन पार हो जाएगा, आपके अंदर एक ताकत आ जाएगी, आपके अंदर एक हौसला आ जाएगा। और उस ताकत की शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में शक्ति है, मगर उसको कोई शक्ति को प्राप्त करने वाला, कोई सिखाने वाला अगर आपको मिल जाए तो कभी छोड़ना मत। छोड़ना मत का मतलब ये नहीं कि उसके पैर पकड़ के बैठे रहना। जब गुरु कोई आज्ञा देता है, गुरु कुछ सिखाता है तो उसको पता है इसके अंदर शक्ति है तो कर पाएगा। और दूसरी बात, वो आपको याद कराता है मगर उनकी शक्ति आपके साथ कार्य करेगी। और यहां स्वस्तिक का एक ऐसा प्रयोग, ऐसा अद्वितीय प्रयोग कई संतों ने तो किया होगा, कई परंपराओं ने तो बताया होगा, मुझे पता नहीं है। मगर मैं आज जो आपको बता रहा हूं, मेरे मुख से तो शायद पहली बार आपको बता रहा हूं। देखो, स्वस्थ भगवान गणपति, भगवान गणपति चतुर्भुज, और स्वस्तिक को देखो, आप स्वस्तिक को देखोगे ना तो उसमें चार भुज उसमें दिखाई देगी आपको। फिर हम स्वस्तिक के अंदर बिंदी करते हैं, शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि आपको आचार्य उसमें बताएंगे, मैं उसमें बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आपने सीखा होगा, बताया होगा, कहीं ना कहीं तो किया होगा। मगर यहां आप स्वयं, यानी कि आपका स्थूल शरीर, आपकी फिजिकल बॉडी, और दूसरी बात आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होंगे, जो यूनिवर्स में सारी शक्तियां पड़ी हुई है, उस ब्रह्मांड में सारी शक्तियां छिपी हुई है, इस ब्रह्मांड में सारी देवी देवताओं की शक्ति भी छिपी हुई है। मगर उस शक्ति का प्रयोग करके आपके ऊपर उस शक्ति को लेके आना है और आपके कार्य सिद्धि करानी है। आप समझो ये प्रयोग कितना गहरा है, मगर बहुत सरल है। यहां आपको सिर्फ पूर्व दिशा की ओर मुंह करना है। आप कहीं भी हो, घर में हो, ऑफिस में हो, गार्डन में हो, बगीचे में हो, रास्ते में हो, गाड़ी में हो, कहीं भी हो, आपको ऐसा कोई एहसास होगा कि मुझे कोई कष्ट है मगर मैं गलत नहीं हूं, मेरे पास दुख है मगर मैं गलत नहीं हूं। और वास्तव में अगर आप गलत नहीं होगे, वास्तव में आपका कोई कुसूर नहीं होगा, तो भगवान गणपति की अद्वितीय शक्ति आपको सहयोग करेगी। मगर यहां आपने किसी का खून कर दिया होगा और कहेंगे कि भाई कोर्ट केस चल रहा है और मैं इसमें से बच जाऊं, तो भगवान की शक्ति आपको काम नहीं करेगी। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि शक्ति का सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। ये जो स्वस्तिक आप बनाओगे उसमें कोई जल की जरूरत नहीं है, कोई कुमकुम की जरूरत नहीं है, कोई अक्षत की जरूरत नहीं है, कोई चंदन की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। वहां आपको पूर्व की ओर मुख करना है, पूर्व की ओर मुख करके आपको आपकी पांच उंगलियां हैं उसमें से पीछे से दूसरी, जिसके माध्यम से आप तिलक करते हो,
इस उंगलियों को लेकर के आपको ब्रह्मांड की ओर देखना है, पूर्व दिशा की ऊपर। आपकी नजरें ऊपर होनी चाहिए, आपकी नजरें नीचे नहीं, क्योंकि शक्ति ऊपर से आती है, नीचे से नहीं। और इसी ब्रह्मांड की उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए इस स्वस्तिक को आपको आकाश मंडल की ओर बनाना है, उंगली को लेकर के आकाश मंडल की ओर ऐसे बनाना है। चार डॉट, ये पहले दो हो गई, चार भुजा बन गई और चार डॉट, ये बन गया आकाश मंडल में एक स्वस्तिक। अब ये स्वस्तिक को मैं कहता हूं जितना बड़ा हो सके इतना बनाना है। तो मैं यहां आपको टीवी के ऊपर एक मर्यादित स्क्रीन के है इसीलिए मैं बता रहा हूं, मगर जितना भी बड़ा हो सके इतना बड़ा स्वस्तिक बनाना है। और स्वस्तिक जब बनाओगे तो आपकी दृष्टि आकाश मंडल होनी चाहिए और आपको हृदय से भावना होनी चाहिए कि स्वस्तिक का निर्माण मैंने किया है आकाश में, और ये आकाश में स्वस्तिक का निर्माण आपको 9 बार करना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 9 बार, क्योंकि पूर्णांक है 9। इन 9 बार आप पूर्णांक रूप से ये स्वस्तिक बनाओगे। स्वस्तिक बनने के बाद आपको प्रार्थना करती है, करनी है भगवान से, गणपति से, ये प्रभु मैं कष्ट में हूं, चाहे वो कष्ट दैविक दैहिक भौतिक कोई भी हो, वो कष्ट का निवारण है स्वस्तिक। और आप अजमा के देखना। मैं कहता हूं आपका कोई कोर्ट कचेरी में कुछ काम अटका हुआ है, कई सालों से नहीं कुछ हो रहा है, आप इस तरह स्वस्तिक बना करके भगवान से प्रार्थना करके आप निकलिए। जो काम आपका अटका है वहां से आपका धीरे 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 रास्ता खुलते जाएगा। आपका धंधा नहीं चल रहा है, स्वस्तिक बना करके प्रार्थना कीजिए, धीरे धीरे कार्य में सफलता आएगी। आपका बेटा पढ़ाई में बहुत कम है, आगे नहीं बढ़ रहा है, उनको बोला ऐसे स्वस्तिक बनाए पूरे ब्रह्मांड में, और उस स्वस्तिक की ऐसे प्रार्थना कीजिए कि 9 पूर्ण रूप से 9 निधि मेरे पास आ रही, अष्ट सिद्धि और 9 निधि। एक चीज ध्यान रखना, पूजा आराधना साधना जितने मन श्रद्धा समर्पण से करोगे ना, उसका फल बहुत अद्वितीय मिलेगा। मैं कहता हूं कि सूंड जितनी लंबी है, भगवान गणपति की सूंड जितनी लंबी है, इतनी आपको खुशियां भगवान दे। भगवान गणपति का पेट जितना बड़ा है इतना आपका जीवन बड़ा हो, और भगवान गणपति के लड्डू जितने मीठे हैं वो हर खुशी एक लड्डू की तरह मिठास के रूप में बन जाए। ये स्वस्तिक का प्रयोग आप करके जीवन में हर प्रकार की खुशियां ला सकते हैं। ये 10 दिन का जो भगवान गणपति का जो महोत्सव है, हम भजन करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम उपासना करते हैं, भगवान गणपति की आरती करते हैं श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, विश्वास के साथ कि भगवान गणपति मेरे घर में आए हैं, स्थापित हुए हैं, घर घर गणपति स्थापित हुए हैं, और स्थापित हुए गणपति हमारे घर के विघ्नों को दूर करेंगे, स्थापित हुए गणपति हमारे जीवन की हर कष्ट को निवारण करेंगे, स्थापित हुए गणपति हमारे जीवन में हर खुशियां नूर शक्तियां और विविधता लेके आएंगे। मैं तो ये कहता हूं कि आप अपने आप में इस सनात और हिंदू धर्म से अगर परिचित नहीं भी हो ना, तो आप अन्य देश में चले जाना,
अन्य देश में भी आप सर्च करना तो वहां उनकी करेंसी के अंदर भी भगवान गणपति का चित्र लगा हुआ है। आपको हैरान होगा, इस बात को देखकर के आप हैरान हो जाओगे कि क्या है, मगर मैं यहां एक एग्जाम्पल देकर के बता रहा हूं कि भगवान गणपति सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं है, सिर्फ सनातन के लिए नहीं है, हर मानव के लिए है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं इस स्वस्तिक भगवान गणपति का एक, जैसे मैंने बताया आकार और निराकार, गणपति का ये आकार है स्वस्तिक, उसका निराकार, ये निराकार स्वरूप स्वस्तिक का आपके जीवन के अंदर खुशियां लाए। और आप ये प्रयोग करके देखिए, आप जरूर मुझे याद करोगे कि गुरुजी ने कोई विद्वित प्रयोग बताया है जिसमें कोई भी खर्चा नहीं। मैं इस गणेश उत्सव के ऊपर आप सभी को हृदय से भगवान से प्रार्थना करके इतना ही कहूंगा, जीवन में हर प्रकार की खुशी आए, जीवन सुरक्षित बने, जीवन आनंदमय बने, मां बाप की सेवा करें, मां बाप का महत्व समझे, और जीवन में चारों प्रकार की, चारों जैसे चतुर्भुजा, चारों दिशाओं से आपको खुशियां भगवान दे, ऐसी प्रार्थना करता हुआ गणपति महोत्सव की शुभकामना करता हूं। और भगवान गणपति से प्रार्थना करके आपके जीवन की खुशियों खुशियां का इस संदेश देता हूं। ओम शांति शांति शांति।